हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी सॉरी, मेरे जो लास्ट वीडियो था उसमें मैं आपको क्लॉटिंग मैकेनिज्म समझा नहीं पाई। एक्चुअली मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, मैं शूट कर रही थी, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका है। तो फिर मैं वो जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसको इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, अभी तक मेरे सिर्फ 122 सब्सक्राइबर्स हुए हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 200 सब्सक्राइबर्स इन दिस मंथ। ओके, तो प्लीज़ हेल्प मी, और आपको आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आपकी तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट है, आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, तो मैं उस टॉपिक के भी वीडियोस बना दूंगी बायोलॉजी के अंदर। या अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्लास का कोई टॉपिक चाहिए तो वो वीडियोज़ भी हम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताया था, प्लेटलेट्स का फंक्शन बताया था। आज हम पूरी मैकेनिज्म देखने वाले हैं कि प्लेटलेट्स क्लॉटिंग कैसे करते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन, कहाँ से आता है, थ्रोम्बोकाइनेस। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेस से आता है प्रोथ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन की मदद से कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन बन गया, अब है फिब्रिनोजन, जो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट होके क्या बनाएगा, फिब्रिन। अब ये जो फिब्रिन बना, इसके साथ डेड WBCs है और आपका जो वाउंड है, ये तीनों मिलके बनाएंगे क्लॉट, जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि आपका जो ब्लड ब्लीड हो रहा है वो अगर आपका 90 सेकेंड्स के अंदर रुक जाता है, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल। ठीक है, 90 सेकेंड यानी कितना हुआ, करीब डेढ़ मिनट के अंदर अगर रुक जाता है तो वो नॉर्मल है। अगर वो रुकने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, इफ़ मोर देन 90 सेकेंड्स, देन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज़ ब्लड। ब्लड में हमने देखा प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उसमें RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब मैं आगे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ना पूछते हैं, MCQ क्वेश्चन है ये, और जिन्होंने मेरे वीडियोज़ अच्छे से देखे होंगे वो ये क्वेश्चन का आंसर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई क्राइम साइट पे, एक क्राइम साइट है, ठीक है, वहाँ से एक ब्लड सैंपल मिल रहा है आपको, ठीक है, अब वो ब्लड सैंपल आपको मैच करना है सस्पेक्ट के ब्लड सैंपल से। ठीक है, ब्लड सैंपल में से क्या एक्सट्रैक्ट होगा, DNA, और आपको जो डाउट लग रहा है कोई सस्पेक्ट है, उसके DNA से आपको मैच करना है, पता करने के लिए कि ये उस क्राइम साइट पे प्रेजेंट था बंदा या नहीं था। तो आप उस ब्लड सैंपल में से कौन सी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करोगे, RBC, WBC, प्लेटलेट या प्लाज्मा। ठीक है, दिस इज़ A, B, C, D। दोबारा से मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, एक क्राइम साइट है, ठीक है, वहाँ से आपको ब्लड सैंपल आप ले रहे हो, उसमें से DNA निकाल के आपको सस्पेक्ट के DNA से मैच करना है। ओके, तो आप ब्लड सैंपल में से क्या एक्सट्रैक्ट करोगे, RBC, WBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा। ठीक है, आपका जो भी आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन बताऊँगी। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, अब एक और डायग्राम है जो पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है और उस ब्लड सैंपल को हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया। क्या कर लिया हमने, ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज कर लिया। सेंट्रीफ्यूज करने का मतलब है कि एकदम जो स्पीड में उसको रोटेट करते हैं। अब उससे क्या होगा, आपको थोड़ी देर बाद एक रिज़ल्ट मिलेगा, यहाँ पे एक लेयर होगी, यहाँ पे एक लेयर होगी, यहाँ पे आपको कुछ सेल्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये होता है कि ये कौन सी लेयर्स बनी। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो आ जाता है वो होता है प्लाज्मा,
सबसे नीचे आ जाता है आरबीसी, ठीक है। अब एक्चुअली एक टर्म यहाँ पे प्लाज्मा तो नहीं मैं यूज़ करूँगी, सीरम। सीरम का मतलब होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन होता है, फिब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है। तो अगर प्लाज्मा में से आप फिब्रिनोजन को निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा? सीरम। तो यहाँ पर एक्चुअली रहता है सीरम और नीचे रहते हैं आरबीसी। हमेशा आरबीसी आपको कहाँ मिलेंगे? नीचे सेटल्ड मिलेंगे, ओके। तो ये डायग्राम भी आपको पूछ सकते, पूछेंगे नीचे क्या है और यहाँ पे क्या है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्लियर? ओके, चलिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। सेकेंड पार्ट जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ब्लड वेसल्स। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस? ब्लड वेसल्स। ओके, तो हम हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। क्या है वो? वो है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो है तीन तरह की होती है हमारी बॉडी में, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। नाउ आई होप आप सबने इनके बारे में पहले से थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया तो होगा, आर्टरी क्या है, वेन क्या है, कैपिलरी क्या है, ठीक है। तो अब इस टॉपिक के अंदर हम ये तीनों को डिटेल में देखेंगे, ओके। अब आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल है आपकी बॉडी के अंदर। उसका रीज़न ये है कि आपका जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा है। दिस थ्री ब्लड वेसल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ओके। तो मैं एक टेबुलर फॉर्म में आपको तीनों का डिफरेंस और इनके हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चलिए, पे आ जाएगा कैपिलरीज, ओके। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनको थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज इनका डिफरेंस देख लेंगे। तो आर्टरीज को कभी भी जब आपको डिफाइन करना हो, बहुत से लोग पता है ये डिफाइन करते हैं आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड। तो ये डेफिनेशन आपकी एकदम करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसा लिखा है आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड तो आपको एक्सेप्शन बताना पड़ेगा, जिसमें एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। अगर आपने लिखा है वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड तब भी आपको एक्सेप्शन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है सबसे सही डेफिनेशन ये होता है, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्या है आपका डेफिनेशन, क्या होना चाहिए? आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हमेशा हार्ट से दूर टूवर्ड्स द बॉडी आर्टरी ब्लड को कैरी करेगी। आर्टरी कहाँ पे कैरी करेगी? अवे फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स द बॉडी, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। वेन्स हमेशा कैसे कैरी करेगी? हार्ट की तरफ कैरी करेगी। और कैपिलरीज का काम क्या है? एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ ब्लड। कौन सा ब्लड? O2 और CO2 वाला। कहाँ पे होता है? कैपिलरीज में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने ये लिख लिया कि ये कौन कहाँ कैरी कर रहा है। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे पर आपको एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे भी आपको एक्सेप्शन लिखना है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। और यहाँ पे वापस वही आएगा, क्योंकि कैपिलरीज में जनरली एक्सचेंज ही होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ
ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे अबाउट प्रेशर। अब जैसा कि मैंने बताया कि आर्टरीज हमेशा हार्ट से निकलती है और बॉडी की तरफ जाती है, तो क्योंकि हार्ट से निकल रही है, हार्ट ने उस ब्लड को पंप करा है, तो आर्टरीज कैरी ब्लड इन प्रेशर, या आप लिख सकते हो कि आर्टरीज के अंदर बहुत ही हाई प्रेशर होता है। अब वेन्स का काम क्या है, पूरी बॉडी से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। अब बॉडी कोई पंपिंग ऑर्गन थोड़ी ना है, तो बॉडी ने थोड़ी ना आपके ब्लड को पंप करा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। और यहाँ पे तो एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ तो एकदम नेग्लिजिबल प्रेशर होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेरी लो प्रेशर। अब इनका जैसा प्रेशर है वैसे इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि आर्टरीज की वॉल, क्योंकि हाई प्रेशर में ब्लड जा रहा है ना, तो वॉल्स आर थिक एंड इलास्टिक। कैसे इनकी दीवारें मोटी है, ठीक है। अगर मेरे यहाँ पे एक पतला सा पाइप है और बहुत प्रेशर में पानी जा रहा है, तो कुछ दिनों में क्या होगा, पाइप फट जाएगा, है ना। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमारी आर्टरीज की वॉल्स बहुत ज़्यादा मोटी होती है और बहुत इलास्टिक होती है। यहाँ पे क्या होगा, थिन एंड नॉन इलास्टिक, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे वेरी थिन टू इंक्रीज सरफेस एरिया। यहाँ पे एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पे मेन क्या करेंगे, ये लोग सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब मैंने आर्टरीज के पर्सपेक्टिव में देख लिया कि हाँ इनकी वॉल्स मोटी है, ये है। अब अगर मैं थोड़ा वेन्स के बारे में सोचूं, तो वेन्स को क्या करना है कि ब्लड, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मेरी पूरी बॉडी में, उसको हार्ट तक लाना है। अब मेरा हार्ट यहाँ लोकेटेड है, अब मान लो मेरे पैर से ब्लड लाना है, ठीक है, तो मेरे पैर से उसको ऐसे ऊपर की तरफ ब्लड लाना पड़ेगा। अब ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी उसको क्या करेगी, ब्लड को नीचे गिराएगी। तो वेन्स के पास ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को ऊपर ला सके। तो वेन्स के पास वो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, वाल्व्स। क्या होते हैं वेन्स के पास, वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। अब मान लो ये मेरी वेन है, ठीक है, इसने थोड़ा सा ब्लड यहाँ से ऐसे ऊपर लाया। अब यहाँ पे हर जगह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ना वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसने थोड़ा सा ब्लड ऐसे ऊपर लाया, यहाँ पे वाल्व्स बंद हो जाएंगे। अब ये वाल्व बंद हो गया, ये ब्लड यहाँ तक ही नीचे गिर पाएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर पाएगा। फिर वेन ने उसको थोड़ा ऊपर भेजा, यहाँ वाला वाल्व बंद हो गया, अब ये ब्लड इससे नीचे नहीं आ पाएगा। ऐसे करके वाल्व्स क्लोज होते जाते हैं जैसे जैसे ब्लड ऊपर जाता है। तो वाल्व्स किस में हेल्प करते हैं, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो वाल्व्स किस में प्रेजेंट है, वेन्स में, क्योंकि वेन्स के पास कोई प्रेशर ही नहीं है, है ना। अब मेरे घर पे मैं रहती हूँ सेकेंड फ्लोर पे, मुझे पानी चाहिए, तो नीचे मुझे मोटर या कुछ लगाना पड़ेगा जो प्रेशर से पानी को ऊपर भेजेगा। वेन्स के पास तो प्रेशर नहीं है, तो इसलिए उनके पास क्या प्रेजेंट है, वाल्व्स प्रेजेंट है। तो आर्टरीज में होंगे वाल्व्स एब्सेंट, क्या है आर्टरीज में, वाल्व्स एब्सेंट। और यहाँ पे भी क्या होंगे, वाल्व्स एब्सेंट, ठीक है। अब देख लेते हैं इनकी लोकेशन। तो आर्टरीज जो है वो बहुत ही डीपली सिचुएटेड होती है, डीपली यानी आपकी बॉडी के एकदम अंदर, आपको आसानी से नहीं मिलेगी, बट एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्ट रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी, रेडियल आर्टरी, रेडियल यानी यहाँ पे जो हाथ में होती है, ठीक है। तभी ये जो होता है नहीं, सुसाइड सुसाइड करने वाला इधर से नस वस काट देता है, तो उनकी रेडियल आर्टरी कट जाती है, तो एकदम प्रेशर से बॉडी का सारा ब्लड बाहर आने लगता है, तो पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो सिर्फ रेडियल आर्टरी आपकी बाहर है, बाकी सब आर्टरी डीपली सिचुएटेड है। वेन्स आर सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब क्या है, एकदम बाहरी बाहरी जो आपको ये दिखती है, ये सारी होती है वेन्स, ओके। कैपिलरीज का तो मैं क्या बताऊँ, वो तो एकदम आपके टच कॉन्टैक्ट पे प्रेजेंट है ना। ये जो आपको रेडनेस दिख रही है, ये सब ब्लड कैपिलरीज ही तो है। यहाँ से ज़ोर से आपको वो पिंच करे तो जो रेड हो जाता है वो क्यों होता है, कैपिलरीज रप्चर हो जाती है, ठीक है।
तो एकदम कॉन्टैक्ट सरफेस पे प्रेजेंट होती है कैपिलरीज, तुरंत से रप्चर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने इतने डिफरेंस देखे। अब एक और डिफरेंस है जो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंस भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना, क्योंकि ये पूछते हैं एग्जाम में कि क्या डिफरेंस है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में, तो इसको खूब अच्छे से करना है अपने को। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आर्टरीज, यहाँ पे लिख देती हूँ वेन्स, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैपिलरीज। ठीक है, अब जो हमारा सेवेंथ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब होता है स्पेस, तो यहाँ पे होता है ल्यूमन नैरो। पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ मैं। ल्यूमन ब्रॉड, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है एक्सचेंज के लिए। ओके, तो अब मैं आपको ल्यूमिन का एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अब ये मेरी यहाँ पे तीन मैंने ब्लड वेसल बना ली। अब आर्टरी का मैंने क्या बोला, इसकी वॉल्स बहुत मोटी है, तो ये अंदर तक पूरी इसकी वॉल्स है ऐसे। वेन्स की वॉल पतली है, कैपिलरी की और पतली है। अब इसकी इतनी मोटी वॉल है तो यहाँ पे जो ब्लड पास होने के लिए अंदर स्पेस है वो क्या हो गया, नैरो हो गया। ये जो अंदर वाली स्पेस है इसी को ल्यूमन बोलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ल्यूमन नैरो। यहाँ पे वॉल्स पतली है तो ल्यूमन कैसा है, वाइड है, और यहाँ पे तो उसको एक्सचेंज ही करना है, सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो ल्यूमन इसके पास अच्छा खासा वाइड है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, या तो इसको फटाक से लिख लो नोटबुक के अंदर। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हार्ट। ठीक है, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेशन। ओके, और लिम्फेटिक सिस्टम भी देख लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू।